दोस्तों क्लॉज नंबर 8 जो है ऑपरेशन, ये सबसे बड़ा क्लॉज है और इसमें 7 सब क्लॉजेस हैं। और क्लॉज नंबर 8 जो था, इसका जो पहले टाइटल हुआ करता था वो था प्रोडक्ट रियलाइजेशन, जो कि क्लॉज नंबर 7 हुआ करता था पहले। दोस्तों क्लॉज 8.2.1.1 जो है ये बात करता है कस्टमर कम्युनिकेशन की, यानी कि आपके जो रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन होगा ये कस्टमर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे कि अगर कस्टमर, अगर आपका स्पेनिश कस्टमर है और वो स्पेनिश ही समझता है, तो आपको उस भाषा में आपको कम्युनिकेट करना है, रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। क्लॉज नंबर 8.2.2 जो है बात करता है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज, आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें कि आपको रिसाइकलिंग प्रोडक्ट की, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा ऑल एप्लीकेबल गवर्नमेंट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस रिलेटेड टू एक्विजिशन, स्टोरेज, हैंडलिंग, रिसाइकलिंग, एलिमिनेशन और डिस्पोजल ऑफ मटेरियल, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को आपको डिटरमाइन करना है और उसके एसोसिएटेड रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है 8.2.3.1.1, इसमें बात करता है रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि रिटेन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ अ कस्टमर ऑथराइज्ड वेवर। अगर कभी आपने किसी केस में कस्टमर से आपने वेवर लिया है किसी चीज में, तो आपके पास में उसका एक एविडेंस होना चाहिए, यानी कि बेटर होगा आप उसको रिटर्न में ले लीजिए। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों इस क्लॉज में ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी में क्या बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि क्रॉस फंक्शन टीम अप्रोच होना चाहिए, जो कि क्वालिटी और टेक्निकल कैपेबिलिटी कैपेसिटी इंक्लूडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कोई प्रोसेस में, प्रोडक्ट में कोई डिजाइन में चेंजेस है, तो इन सब चीजों का असेसमेंट करेगा क्रॉस फंक्शन टीम। इसके अलावा जो सीएफटी टीम है वो वैलिडेट करेगी कि प्रोडक्शन रन जो है वो मीट करेगी कि नहीं, कुछ बेंचमार्किंग स्टडीज है उसको भी स्टडी करना है, और अगर कुछ अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं तो उसको भी स्टडी करेंगी ताकि प्रोसेस में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होते रहे। दोस्तों डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग में भी रिक्वायरमेंट है कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की हो, यानी कि सीएफटी अप्रोच होना चाहिए। अगर आप एपीक्यूपी कर रहे हैं या वीडीए का आरजीए सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिजाइन के लिए, तो आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी क्रॉस फंक्शन टीम का इस्तेमाल करना है, ये रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों क्लॉज 8.3.2.3 में एक नया रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं आप, तो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का असेसमेंट मेथोडोलॉजी एस्टैब्लिश करना है कि कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाएगा और उससे एसोसिएटेड रिस्क आइडेंटिफाई करके उसको मिटिगेट करना है। दोस्तों क्लॉज 8.3.3.2 में बात करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन, और इनपुट में क्या बात करता है प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड एर्गोनॉमिक रिक्वायरमेंट और डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि डीएफएम और डिजाइन फॉर असेंबली यानी कि डीएफए, ये कंसिडर करना है। तो डीएफएम और डीएफए क्या होता है डिटेल में आगे समझते हैं। तो दोस्तों डीएफएम में यानी कि डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, ये क्या होता है, तो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जो अभी का कंस्ट्रेंट्स हैं आपके स्किल लेवल का या टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, तो क्या आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में, एग्जिस्टिंग मैन पावर में, एग्जिस्टिंग स्किल्स में क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं आराम से, क्या कॉस्ट ज्यादा तो नहीं होगा, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आपकी ड्रॉइंग की सारी रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर सकते हैं, तो ये सारी स्टडी आपको करनी है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में। और डिजाइन फॉर असेंबली यानी कि डीएफएम में क्या करेंगे, हमको ये स्टडी करना है कि क्या हम असेंबली जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्या हमारा लेबर जो यूटिलाइजेशन होगा ज्यादा तो नहीं लगेगा, पैसा ज्यादा तो नहीं लगेगा, क्या इसमें हम एरो प्रूफिंग कर सकते हैं, तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को आपको डिजाइन फॉर असेंबली में आपको पूरा करना है। तो दोस्तों डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फॉर असेंबली यानी कि डीएफएमए, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है सिस्टम का। दोस्तों स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्लॉज में यानी कि 8.3.3.3 में बात करता है कि आपके प्रोडक्ट में अगर आप मल्टीपल कस्टमर को आप अगर हैंडल कर रहे हैं, सभी के ड्रॉइंग में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के सिंबल जो होते हैं अलग अलग तरीके होते हैं, तो आपके पास में एक सिंबल कन्वर्जन टेबल होना चाहिए जो कि शॉप फ्लोर में आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि शॉप फ्लोर के जो एसोसिएट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो और उनको अपने काम को करने में आसानी हो। दोस्तों क्लॉज 8.4 जो है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर आपने अपने बिहाफ में कुछ प्रोडक्ट
प्रोसेस या कुछ सर्विस को आपने अगर आउटसोर्स किया है तो उसको भी कंट्रोल करना, मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कुछ सब असेंबली को, कुछ सिक्वेंसिंग को, सॉर्टिंग को, रिपेयर को, रिवर्क को, कैलिब्रेशन एक्टिविटीज को, या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ वैलिडेशन करने के लिए आपने अगर आउटसोर्स किया है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, आपको मैनेज करना है। क्लॉज 8.4.1.2 बात करता है कि आपके पास में एक डॉक्यूमेंटेड सप्लायर सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें कि आपको सप्लायर का क्वालिटी, डिलीवरी परफॉर्मेंस, उनके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इवोल्यूशन, और अगर सप्लायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है तो उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज का भी आपको स्टडी करना है, इवोल्यूशन करना है। और दोस्तों सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर क्लॉज 8.4.1.2 में, जिसमें कि अगर सप्लायर का सिलेक्शन करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स को स्टडी करना है, जैसे कि वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोमोटिव बिजनेस, क्या वॉल्यूम है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी उनके पास में है कि नहीं है, रिसोर्सेज, डिजाइन डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी सही है कि नहीं है, उनके चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेसेस, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज और कस्टमर सर्विस कैसा है उनका, इन सारे एलिमेंट्स को आपको सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करना है। दोस्तों इसको डिटेल में समझने के लिए आप स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़ लें। और दोस्तों क्लॉज नंबर 8.4.2.2 में बात करता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि अगर आप कोई पार्ट को किसी बाहर कंट्री से आप अगर खरीद के मंगा रहे हैं या बाहर को आप अगर सेल करते हैं तो आपके पास में एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए इन सारी चीजों का कंट्रोल एक्सप्लेन करने के लिए। और दोस्तों क्लॉज 8.4.2.3 जो है ये बात करता है सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आपके जो सप्लायर्स हैं आपको उनके सिस्टम को भी डेवलप करना है, तो पहले तो बेसिक सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फिर आप कोशिश कीजिए कि उनका जो सिस्टम है पहले वो ISO 9001:2015 को सर्टिफाई करवाए, उसके बाद में फिर वो IATF के लिए भी जाए। तो आपको एज ए कस्टमर अपने सप्लायर को सपोर्ट करना है डेवलपमेंट के लिए, और आपके पास में इसका एक फेज वाइज प्लान होना चाहिए। दोस्तों क्लॉज 8.4.2.4 जो है ये बात करता है सप्लायर की मॉनिटरिंग के लिए, तो सप्लायर का आप जो मॉनिटरिंग करेंगे उनका जो बेसिस है ये क्राइटेरिया है, इसको जरा समझते हैं। तो क्राइटेरिया में है क्वालिटी एट प्लांट, कि आपके प्लांट में उसकी क्वालिटी कितनी आ रही है, क्वालिटी एट कस्टमर, आपके कस्टमर के एंड में जो सप्लायर का पार्ट जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, डिलीवरी एंड प्रीमियम फिट, डीलर के यहाँ से रिटर्न, फील्ड के एक्शंस और रिकॉल्स, तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आपको सप्लायर का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना है। और दोस्तों क्लॉज 8.5.1.1 जो है कंट्रोल प्लान, जो कि पहले था 7.5.1.1 था, इसमें बात करता है कि आपका जो कंट्रोल प्लान है उसका आपका डिजाइन FMEA और जो प्रोसेस FMEA है उससे लिंकेजेस होना चाहिए, और उसमें जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है टिपिकली जो AIG का जो फॉर्मेट है आपको फॉलो करना है, और कंट्रोल प्लान आपके 3 फेजेस के होते हैं। दोस्तों इसके लिए आप मेरे जो कंट्रोल प्लान का जो वीडियो है आप उसको जरूर चेक करें, आपको कंट्रोल प्लान को टाइमली रिव्यू करना है और उसको अपडेट भी करते रहना है। दोस्तों क्लॉज 8.5.1.2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस एंड विजुअल स्टैंडर्ड्स में, तो हम जो सॉफ्टवेयर में SOP या वर्क इंस्ट्रक्शंस या 1 पॉइंट लेसन का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो हम बनाए वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, और जो ऑपरेटर्स हैं उनको अंडरस्टूड होना चाहिए, लेजिबल साफ साफ दिखना चाहिए, यानी कि पिक्टोरियल होना चाहिए, फॉन्ट बड़े होने चाहिए, और ये उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे कि ऑपरेटर को समझने में आसानी हो, यानी कि इसको लोकल लैंग्वेज में बनाइए, और इसमें आपको ऑपरेटर की सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो भी आपको इंक्लूड करना है। और दोस्तों क्लॉज जो 8.5.1.3 है ये बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप्स, यानी कि आप जब सेटअप कर रहे हो तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, और वेरिफिकेशन करने के लिए आप अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आपको फर्स्ट ऑफ पार्ट जो है यानी कि FOA भी जिसे कहते हैं फर्स्ट ऑफ अप्रूवल, उस पार्ट को रिटेन करना है, उसको आप पिछले लास्ट पार्ट से कंपेयर कीजिए, आपको लास्ट पार्ट को भी रिटेन करना है जिसको कि अगले सेटअप के फर्स्ट पार्ट से कंपैरिजन कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि दोनों में कुछ प्रोसेस में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपको अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स भी रिटेन करने हैं। क्लॉज 8.5.1.4 जो है ये बात करता है वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन, अगर आपका मशीन या प्लांट शटडाउन में गया हुआ है और आप कुछ दिनों के बाद में प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सेटअप अप्रूवल करवाना है। और दोस्तों एक और नया रिक्वायरमेंट है क्लॉज 8.5.1.5 जो है ये बात करता है TPM की, यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपके जो डॉक्यूमेंटेड मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं
उसमें आप ओई यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, एमटीबीएफ यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर, एमटीटीआर यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंप्लायंस मैट्रिक्स आपके ऑब्जेक्टिव में इन पैरामीटर्स को इंक्लूड करना है। दोस्तों ओई, एमटीबीएफ और एमटीटीआर को समझने के लिए आप मेरे इन वीडियोस को चेक करें। आप वीडियो को चेक करने के लिए हमारे वीडियो गैलरी में जा सकते हैं। और दोस्तों एक और नया रिक्वायरमेंट्स है कि मेंटेनेंस के मेथड में आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस तो करते ही थे, अब बात करता है कि पीरियोडिक ओवरऑल भी होना चाहिए। यानी कि काफी सारे एलिमेंट जो है आप प्रिवेंटिव में प्रिडिक्टिव में नहीं करते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना है अपने इक्विपमेंट्स के लिए, जबकि आपको इक्विपमेंट्स का पूरा ओवरहॉलिंग करना है। फ्रीक्वेंसी आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और दोस्तों क्लॉज 8.5.2.1 जो है आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी, इसमें बात करता है कि आपके जो प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना है सुटेबल मीन से अगर नॉन कन्फर्मिटी या सस्पेक्टेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो। अगर पार्ट का सेग्रीगेशन कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। आपको जो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स हैं, आपको मेंटेन करने हैं। दोस्तों क्लॉज 8.5.4 जो है प्रिजर्वेशन, जो कि पहले था 7.5.5.1 स्टोरेज एंड इन्वेंटरी, इसमें बात करता है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो प्रिजर्वेशन है उसमें आपको कंटामिनेशन का ख्याल रखना है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखना है, और प्रोडक्ट जो है जब तक कस्टमर के पास में न पहुंच जाए उस समय तक के लिए प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी आपका प्लान होना चाहिए। किस तरह कंटेनर में स्टोरेज करेंगे आप, उसका स्टोरेज का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, शिपिंग, लेबलिंग, जब तक कि ये कस्टमर तक पहुंच न जाए आपको पूरा का पूरा प्लानिंग करना है। और दोस्तों क्लॉज 8.6.2 में बात करता है लेआउट इंस्पेक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग। तो लेआउट इंस्पेक्शन और फंक्शनल टेस्टिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी है आप डिसाइड कीजिए कस्टमर से, लेकिन अप्रूवल करवा लीजिएगा। और अपीयरेंस आइटम के लिए आप हैप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लॉज 8.7.1.4 जो है दोस्तों ये है कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट। तो इसमें आपके जो प्रोडक्ट अंडर रिवर्क हो रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना है, प्रॉपरली टैगिंग करना है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कस्टमर को शिपमेंट करने से पहले आपको कस्टमर से अप्रूवल लेना है और आपके पास में एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए कि प्रोडक्ट का आप रिवर्क कैसे करेंगे, और अगर रिवर्क किया जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड यानी कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मेंटेन करना है। दोस्तों यहां पर क्लॉज 8.7.1.4 जो है ये बात करता है कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट की। नेक्स्ट क्लॉज जो है 1.5 जो है ये बात करता है कंट्रोल ऑफ रिपेयर प्रोडक्ट। तो कंटेंट दोनों में सेम ही है, अंतर ये है कि पहला जो है रिवर्क की बात करता है, दूसरा जो है बात करता है रिपेयर की। दोस्तों रिवर्क और रिपेयर में डिफरेंस समझने के लिए आप मेरे रिवर्क वर्सेस रिपेयर के वीडियो को जरूर चेक करें। और ये क्लॉज जो है नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट डिस्पोजिशन, ये बात करता है कि आपके पास में डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट एनसी हो रहा है, रिवर्क या रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो उसका डिस्पोजिशन कैसे करेंगे। अगर आप उसका डिस्पोजल कर रहे हैं तो आप इंश्योर कर लीजिए कि ये किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं तो मिक्स होने की चांसेस रहेगी। दोस्तों नाइन्थ क्लॉज जो है ये बात करता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन की। इसमें तीन सब क्लॉजेस हैं, जो कि है 9.1 मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, 9.2 जो है इंटरनल ऑडिट, 9.3 जो है मैनेजमेंट रिव्यू। आइए इसको जरा समझते हैं डिटेल में। तो दोस्तों 9.1.1 जो है ये बात करता है कि आपको डिफाइन करना है कि क्या मॉनिटर करना है, क्या मेजर करना है, मेथड ऑफ मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस इवोल्यूशन, इनको आपको डिफाइन करना है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट कब परफॉर्म करना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है, और आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो है रिजल्ट उसका जो है प्रॉपरली उसको एज एन एविडेंस रिटेन करना है। और दोस्तों क्लॉज 9.1.1.1 जो है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये बात करता है कि आपको प्रोसेस स्टडीज करना है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और आपको रिकॉर्ड्स ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यूज और टेस्ट रिजल्ट का आपको वेरिएबल डेटा के लिए रिटेन करना है। 9.1.1.2 जो है ये बात करता है कि आपको सुटेबल स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना है क्रिटिकल पैरामीटर्स के कंट्रोल के लिए, जो कि आपने डिजाइन एफएमईए या पीएफएमई में आइडेंटिफाई किया है और कंट्रोल प्लान में इंक्लूडेड रहता है। और क्लॉज 9.1.1.3 जो है ये बात करता है कि जो इंप्लॉइज इन्वॉल्व हैं डेटा के कलेक्शन के लिए, एनालिसिस में या मैनेजमेंट करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा को, उनको अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर एडजस्टमेंट इनको मालूम होना चाहिए कि वेरिएशन क्या होता है, ओवर एडजस्टमेंट क्या होता है,
और दोस्तों 9.2.2.1 जो है ये इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम की बात करता है, जो कि पहले भी था अंडर क्लॉज 8.2.2.4 में। तो आपके पास में इंटरनल क्वालिटी ऑडिट यानी कि IQA का एक प्लान होना चाहिए, जिसमें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिट सारे इंक्लूडेड होने चाहिए। प्रायोरिटी जो है रिस्क के बेस पे होना चाहिए आपको उसमें, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। जो ऑडिट का जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका प्रोसेस के चेंजेस उसके रिस्क के बेसिस पे होना चाहिए, जो कि डायनामिक होना चाहिए। और इंटरनल ऑडिट्स के जो भी आउटकम निकल के आ रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस जो है आपको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में यानी कि MRM में रिव्यू करना है। दोस्तों क्लॉज 9.2.2.3 जो है ये बात करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिट के बारे में, यानी कि आपको 3 साल का एक कैलेंडर बनाना है ऑडिट के प्लान का, एक एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट है। और आपको हर एक शिफ्ट का ऑडिट कवर करना है, यानी कि अगर आपका प्लान 3 शिफ्ट चल रहा है तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सारे को कवर करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। 9.3.1 जो है बात करता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की, और इसमें आपको कम से कम साल में एक बार MRM होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी जो है अगर आपका रिस्क प्रोसेस में बढ़ता है, सिस्टम में बढ़ता है, तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिस्टम में क्या मैच्योरिटी है और आप कितने रिस्क में हैं। दोस्तों क्लॉज 9.3.2 में मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में काफी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को अपने MRM मीटिंग में कवर करना है। इसमें सप्लीमेंटल भी है जो कि IATF का रिक्वायरमेंट है जो हमने पहले देखा था, ये वाला, ये सारे रिक्वायरमेंट जो है ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है, और जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है ये IATF का रिक्वायरमेंट है। तो IATF अलग से क्या मांगता है कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का डाटा आपका, मेजर ऑफ प्रोसेस इफेक्टिवनेस, मेजर ऑफ प्रोसेस एफिशिएंसी, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, वारंटी परफॉर्मेंस, रिव्यू ऑफ कस्टमर स्कोर कार्ड एंड पोटेंशियल फील्ड फेलियर थ्रू रिस्क एनालिसिस, ये सारे आपके मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में कवर होने चाहिए। और दोस्तों लास्ट क्लॉज जो है क्लॉज नंबर 10, ये बात करता है इम्प्रूवमेंट की। इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं, 10.1 जनरल, 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, 10.3 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। 10.2 जो है ये बात करता है नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, यानी कि अगर नॉन कंफर्मिटी आती है तो आप उस पर एक्शन लीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, करेक्ट कीजिए, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर भी डील कीजिए, और प्लानिंग में आपके जो रिस्क थे आप उसको भी अपडेट कीजिए, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स आई है, नॉन कंफर्मिटी आई है, उसके सुटेबल आपको करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करना है। दोस्तों क्लॉज 10.2.3 जो है यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें बात करता है एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाना है। इसमें आपको जितने भी तरह के आपके स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में प्रॉब्लम अगर आ गया, करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम आ गया, फील्ड में प्रॉब्लम आ गया, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन से तरीके को अपनाएंगे, ये सारे आपको प्रोसेस में डिफाइन करने हैं। क्लॉज 10.2.4 जो है ये बात करता है एरर प्रूफिंग की, यानी कि मिस्टर प्रूफिंग या पोकायो के, इसके लिए भी आपके पास में डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होने चाहिए। इसमें पोकायो का आपके जो डिटेल्स है ये आपका FMA में इंक्लूडेड होने चाहिए। इसको टेस्टिंग करने का, पोकायो के यानी कि एरर प्रूफिंग को टेस्टिंग करने का जो फ्रीक्वेंसी है ये कंट्रोल प्लान में मेंशन होना चाहिए। 10.2.5 जो है ये बात करता है वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी कि आपको एक वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है, जिसमें कि आपको प्रोसेस फॉर मेथड ऑफ वारंटी पार्ट एनालिसिस, यानी कि पार्ट अगर वारंटी से वापस आ रही है तो उसको एनालिसिस करने का प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए, इंक्लूडिंग NTF यानी कि नो ट्रबल फाउंड, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला है तो उसमें भी आपको क्या करना है, और अगर कस्टमर ने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मांगा है तो आपको उस तरीके से अपने प्रोसेस को डिफाइन करना है। क्लॉज 10.2.6 जो है कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फील्ड फेलियर टेस्ट एनालिसिस की बात करता है। इसमें आपको एनालिसिस ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फील्ड फेलियर करना है आपको। आपको उसी तरीके से NTF यानी कि नो ट्रबल फाउंड अगर मिलता है तो उसको भी डील करने का प्रोसेस आपको डिफाइन करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं तो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन से रिलेटेड अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको भी अपने प्रोसेस में इंक्लूड करना है, और आपको कम्युनिकेट करना है जो भी आपके टेस्टिंग के रिजल्ट आ रहे हैं, एनालिसिस का रिजल्ट आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, आपको कस्टमर को भी इन्फॉर्म करना है। इसमें टिपिकली क्या होता है, काफी सारे कस्टमर जो रहते हैं, अगर मैं OEMs की बात करूं, ऑटो OEMs की, तो सारे कस्टमर्स के अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं काका फॉर्मेट की, तो आप कोशिश करें कि कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्मेट में कस्टमर को आप रिप्लाई करें। 10.3 जो क्लॉज है दोस्तों ये बात करता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की, यानी कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेथोडोलॉजी डिफाइन करेंगे कैसे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हम करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको IATF 16949 क्या है,
ISO 9001 2008 2015 में डिफरेंस क्या है, ISO TS से IATF में क्या डिफरेंस है, और IATF के जो क्लॉजेस हैं उसके रिक्वायरमेंट आपको अब समझ में आ गए होंगे। आप इसको थोरोली समझने के लिए स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ें। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का सर्विस का तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनहाउस प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट का जो मेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वैसे स्क्रीन पर भी आपको अभी दिख रहा है फिलहाल में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।